मतलब आपकी सरकार हम है। क्या होता है शासन आदेश? बुलंदशहर में सिकंदराबाद नगर पालिका परिषद के भाजपा चेयरमैन प्रदीप दीक्षित के बिगड़े बोल। अरे सिकंदराबाद की सरकार हम है। क्या होता है शासन आदेश? सिकंदराबाद की सरकार मैं हूँ, 87,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है। अब मेरी जवाब दे ये 87,000 लोगों के लिए तो टैक्स आप कितने दिन में कम कराएंगे? 87,000 लोगों को मैंने वायदा किया, मेरी जवाब दे ही है। कोई गली गुरबा का नेता आकर हमसे नहीं पूछेगा कि टैक्स कम कराइए और ज्यादा कराइए। छाती पर हाथ मारकर बोले भाजपा चेयरमैन, शासनादेश क्या होता है, सिकंदराबाद की सरकार हमें बताए। हम सिकंदराबाद की सरकार है, अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि अब पहले जैसे चेयरमैन नहीं है, अब मां भारत भारती का सच्चा बेटा इस नगर का चेयरमैन है। हिसाब करना पड़ेगा और हिसाब कम करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं हम सिकंदराबाद के चुने हुए 87,000 लोगों के चेयरमैन है। हम लोगों ये हमको लोगों ने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मैं 87,000 लोगों का सेवक हूं और 87,000 लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूं और जो जनता से कमिटमेंट करके आया हूं उसको पूरा करूंगा। जिन अधिकारियों के दिमाग खराब हो रहे हैं, जो ठीक नहीं करना चाहते उसको, वो समझने अधिकारी अगर सिकंदराबाद नगर पालिका में रहना है तो हमारी तरह से काम करना होगा, अन्यथा सिकंदराबाद की नगर पालिका में तो क्या उत्तर प्रदेश की किसी नगर पालिका में स्थान नहीं मिलेगा। मैं आपसे वायदा करूंगा। 87,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, जिस अधिकारियों के दिमाग खराब हो रहे हैं और ठीक नहीं करना चाहते तो ऐसे अफसरों को सिकंदराबाद की नगर पालिका में तो क्या यूपी की किसी भी नगर पालिका में स्थान नहीं दिया जाएगा। बुलंदशहर से संजीव की रिपोर्ट।